नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। तेल कंपनीज ने आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम 40 पैसे तो डीजल के दाम में भी 40 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज यानी कि 4 अप्रैल को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 103.81 रुपये और डीजल की कीमत 95.07 रुपये हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 118.83 रुपये प्रति लीटर, डीजल का रेट 103.07 रुपये हो चुका है। चेन्नई में पेट्रोल 109.34 रुपये, डीजल 99.42 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा को समर्पित होता है। माता के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण ही उनका ये नाम पड़ा है। मां चंद्र घंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। मां चंद्र घंटा शेरनी की सवारी करती है और माता का शरीर सोने के समान चमकता है। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है तो वहीं 5वां हाथ व मुद्रा में है, जबकि मां की अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जपमाला है। यूक्रेन के बीच जंग का 44वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ रही है और अब तक कीव के आसपास बूचा समेत इलाकों में 410 यूक्रेनियों के शव मिले। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस की तुलना आतंकी संगठन से की। उन्होंने रूसी सेना को ISIS से भी बदतर बताया है। मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि बूचा शहर से पीछे हटते वक्त रूसी सैनिक गुस्से में बेवजह आम लोगों की हत्या कर रहे हैं, जबकि यूक्रेनी उनका विरोध भी नहीं कर रहे। कुलेबा का कहना है कि बूचा नरसंहार सोची समझी रणनीति है। रूस का मकसद ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मारना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक ने इस कीव क्षेत्र में 21वीं सदी की सबसे भयानक तबाही बताया है। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। आज पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। इस बार के मुद्दे पर भी होगा मंथन। सोनीपत में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी HSVP ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी जनसभा की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राम रणजीत के आवास पर आज सांसदों का रात्रि भोज है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम ने करनाल नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 32 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने करनाल नगर निगम क्षेत्र के गांव कैलाश में करीब 14.04 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हॉकी स्टेडियम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 3.78 करोड़ रुपए की लागत से सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम में सामुदायिक केंद्र, 4 दीवारी द्वार और योग शेड का निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। सीएम ने कहा कि आधारभूत संरचना से लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, खेलों का विकास होता है। हम पूरी तरह से मजबूत हैं, चंडीगढ़ किसी को नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं, भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि मंडियों में गेहूं की आवक पर अभी मंडियों में आवक कम है क्योंकि गेहूं में नमी है। गेहूं पूरी तरह से सूखने के बाद ही आवक में तेजी आएगी। सीएम ने कहा कि 134 के तहत पहले 10% बच्चों का दाखिला होता था, अब यह कोटा बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारे सरकार स्कूल्स किसी भी मायने में प्राइवेट स्कूल्स कम नहीं है, उनमें सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जींद में सीएम मनोहर लाल ने बोहतवाला गांव में 33 KV सब स्टेशन और मुहाना में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया।
जींद के अर्जुन स्टेडियम में स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर और सफेदों के खेड़ा खेमावती में राजकीय आईटीआई समेत कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सीएम ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब की जनता गलत हाथों में पड़ गई है, पंजाब कर्ज के नीचे डूब चुका है। सफेदों में सीएम ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भूल करके दो दिन पहले प्रस्ताव पारित किया, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए, जबकि विशेषों पर बाद में विचार किया जाएगा। अनुराज के जनता दरबार में हरियाणा के कोने कोने से फरियादी पहुंची, जिसमें सेना का एक जवान भी शामिल रहा। जवान की शिकायत सुनकर अनिल विज ने तुरंत अधिकारियों को फोन मिलाया। उनकी नजर में फौजी सबसे पहले है और फौजी को लूटने वाला देश का दुश्मन है। शिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर ने पंजाब के चंडीगढ़ के फैसले पर कहा कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ का मुद्दा उठाकर चुनाव में किए गए वादों से ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 134 कांग्रेस ने लागू किया, लेकिन एक भी एडमिशन नहीं किया गया। वैसे में आरटीई लागू किया गया है, जिसके तहत 10 की जगह 25% दाखिले होंगे। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के द्वारा अधिकार जताए जाने पर आम आदमी पार्टी के ही हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने नया फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब और हरियाणा दोनों को ही 20,000 करोड़ रुपए देकर चंडीगढ़ का आधा आधा हिस्सा दोनों राज्यों में बांट दिया जाए। भिवानी में किरण चौधरी ने कहा कि एसवेल का पानी दक्षिण हरियाणा को मिलना चाहिए, यह भी कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है। उन्होंने भिवानी नगर परिषद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। साबर सिटी गुरुग्राम में कृषि मंत्री जीपी दलाल ने रोटरी क्लब कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब ने जो रेगुलेशन पास किया है वो हरियाणा के साथ भाईचारा बिगाड़ने का काम है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर जितना हक पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है। जीपी दलाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले एसवाइल के जरिए हरियाणा का हिस्से का पानी दे। चंडीगढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाब सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया है वो बेईमानी है। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यही नहीं, चंडीगढ़ से पहले तो पंजाब से एसवाईएल का एक एक बूंद पानी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी दलों के नेताओं को इस मामले में एकजुट होना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ और एसवाईएल के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। चंडीगढ़ पर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि पंजाब चंडीगढ़ पर अधिकार जमाने का सपना छोड़ दे, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का था और आगे भी रहेगा। कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई और टैक्स को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश के आरोग्य केंद्र पर भारत विकास परिषद और रोटरी क्लब के सहयोग से 2 दिवसीय कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर भारत के क्षेत्र के लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया। शिविर के आयोजक राजकुमार अग्रवाल ने कहा 400 लोगों को 2 अप्रैल से शिविर में कृत्रिम हाथ वितरित किए जा रहे हैं। अम्बाला के शहरी इलाकों में पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अम्बाला के गांव चौई मस्तपुर में निःशुल्क मेडिकल रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें अम्बाला की मेयर शक्ति रानी ने शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। फरीदाबाद के पिथला विधानसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गदपुरी में 15 अप्रैल से नया टोल शुरू होने से पहले ही राजनीति तेज हो चुकी है। टोल को लेकर पिथला के पूर्व विधायक पंडित टिक चंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक पंडित टिक चंद शर्मा ने कहा कि मौजूदा विधायक को आम जनता की परेशानी नहीं दिख रही है, टोल लगने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
टेकचंद शर्मा ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 7 किलोमीटर की होनी चाहिए। उचाने के खटकड़ टोल प्लाजा पर किसानों ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मुख्यमंत्री की रैली में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के ठंडे उतारकर कई गाड़ियों को वापस भी किया। किसानों ने बीजेपी और जेजेपी को किसान विरोधी बताते हुए बीजेपी के झंडे आग के हवाले कर दिए और टोल को फ्री करवा दिया। फरीदाबाद के बीके चौक पर पुरुष आयोग की टीम के सदस्यों ने जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग करते हुए पुरुष विरोधी मानसिकता का पुतला फूंका। पुरुष आयोग के सदस्यों ने सरकार से महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग टीम का गठन करने की मांग की, साथ ही महिलाओं पर अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगा। बढ़ते तापमान की वजह से गेहूं और सरसों की फसल समय से पहले पक चुकी है। दिसंबर जनवरी में हुई बारिश की वजह से जल भराव और गर्मी के कारण फसल की पैदावार पर असर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार फसलों का उत्पादन कम हुआ है। किसानों की मांग से डीजल, खाद, बीज, मजदूरी, कुछ सब कुछ महंगा हो चुका है। किसानों को फसल की लागत भी पूरी नहीं मिल रही है। अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान 13 लोग हिंसा में मारे गए थे। इसके लिए सिरसा में बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यमुनानगर में व्रत का आटा खाने की वजह से करीब 50 लोग बीमार हो गए। जैसे ही खाना खाया उसके बाद उन्हें उल्टी व दस्त की शिकायत होने लगी। कई लोगों को चक्कर आने लगे जिसके बाद अलग अलग अस्पतालों में उन्हें एडमिट किया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर को सैंपल लेने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि नवरात्रि के दूसरे दिन ही सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। उपवास के दौरान कुट्टू का शामक से बने हुए पकवान खाने के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में 5 लोगों का आरोप है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। पलवल में बीड़ी सिगरेट के व्यवसाय के ऊपर 25 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने का आरोप है। जिले के आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। अपराध शाखा पुलिस के जांच के अधिकारी जवाहर सिंह ने दिल्ली के बेगमपुर के पते पर अलका एंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई। इस कंपनी के नाम से होटल हतीन और पलवल में बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय किया जा रहा है। व्यवसाय के दौरान जानबूझकर झूठी नकली जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल किया गया है। कटला विधानसभा के गांव साहूपुरा खादा की शीतल ने ओडिशा में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। इस मौके पर ग्रामीणों ने बिटिया का जोरदार स्वागत किया। शीतल ने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में उनके पिता का बड़ा योगदान रहा है। नौनिहालों के अच्छे भविष्य को सोनीपत की 220 आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में तब्दील किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। फरीदाबाद के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि झूठी सरकार ने लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कुछ दिन के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए थे और आज फिर से 5 महीने बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पलवल में अपराध शाखा पुलिस में मुखबिर की सूचना पर महेशपुर के बस स्टैंड पर 2 जिंदा कारतूस, देसी कट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अवैध आचार से किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन समय रहते उसे दबोच लिया गया। रादौर के गांव चमरोड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव गिलौर मार्जरी निवासी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार काम से वापस घर जा रहा था। राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाई और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया।
पलवल में होटल के अपराध शाखा पुलिस ने कई सालों से गांजे की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। ब्रांच अधिकारी ने बताया कि तीनों भाई मिलकर कई सालों से गांजा तस्करी का काम कर रहे थे। घर घर जाकर ये नशा करने वाले लोगों को गांजा बेच रहे थे। फरीदाबाद के खेड़ी पुल मवई रोड पर सीवर का मेन होल खुलने की वजह से 6 साल का बच्चा स्कूल जाते समय गटर में गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बच्चे को गटर से बाहर निकाला। गुस्सा लोगों ने नगर निगम के कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और खा जाती तो बच्चे की डूबने की वजह से जान भी जा सकती थी। इंद्री उपमंडल के गांव गढ़ी गुजरान निवासी युवती के पुणे में मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए इंद्री थाना पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर मामला पुणे में भेज दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को सास ससुर पति जेठ ने दहेज की मांग को लेकर हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन इसलिए वो चुप रहे कि उनकी लड़की का घर बच जाए। इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह का कहना है कि आगामी जांच के लिए मामला पुणे में भेज दिया गया है, आगे तफ्तीश पुणे पुलिस करेगी। पानीपत में शॉर्ट सर्किट की वजह से पसीना कला रोड पर ओम बालाजी टेक्सटाइल में आग लग गई, जिसमें सामान जलकर खाक हो गया। इस आग की वजह से नुकसान हुए सामान का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आग मशीनरी बिल्डिंग और कच्चे तैयार माल का नुकसान हुआ है। परवल होटल के गांव सोन में बिजली की शॉर्ट सर्किट वजह से खड़ी फसल में आग लग गई और देखते ही देखते 15 से 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। महिला किसान अपनी गेहूं की फसल को राख देखकर एक दूसरे के गले लगकर रोते नजर आए। किसानों का आरोप है कि अगर समय पर दमकल की गाड़ी पहुंचती तो उनका इतना नुकसान नहीं होता। फतेहाबाद के भूना इलाके में बारात में जा रही ऑल्टो गाड़ी अनियंत्रित होकर खेतों के किनारे पलट गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे रेफर किया है। पंचकुला में कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें कश्मीरी पंडितों ने अपनी आपबीती सुनाई। कश्मीरी पंडितों ने बताया कि 1990 के दशक में उनके साथ घटी बेरहमी की गई थी और उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी मांग है कि उन्हें फिर से घाटी में बसाया जाए। बल्लभगढ़ में इमाम मौलाना जमालुद्दीन ने सभी देशवासियों को रमजान और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। बल्लभगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चैत्र नवरात्र में मीट की दुकानों को लेकर पंचायत भवन के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के लोगों ने कहा कि चैत्र नवरात्र शुरू होने से पहले जिलाधिकारी को मीट की दुकानें बंद करने के लिए ज्ञापन दिया गया था, इसके बाद भी दुकानें खुली हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1096 नए केस दर्ज हुए, 81 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 54 नए मामले दर्ज हुए, 39 मरीजों ने कोरोना को मात दी। नेपाल के पीएम ने बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, सीएम योगी भी साथ मौजूद रहे। इस दौरान वैदिक ब्राह्मणों ने आचार्यत्व में पारंपरिक पूजन के साथ काशी विश्वनाथ धाम का जायजा लिया। श्रीलंका में हालात खराब होते जा रहे हैं। आपातकाल के बीच सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के साथ साथ और भी सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है।